हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक टेक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं ऑर्गेनिक क्षेत्र की नई नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आज एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आया हूं मैं। तो दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक जैविक एनपीके तैयार कर सकते हैं अपने। दोस्तों, जैविक एनपीके हम सभी लोग जानते हैं, जैविक खेती करने में हमको हमारे पास में काफ़ी ऐसी बहुत सी लिमिटेड साधन होते हैं जिसके माध्यम से हम जैविक खेती करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक एनपीके जैसी खाद का एक फार्मूला हो, जिससे आप एनपीके घर में बना सकें और उसके माध्यम से अपने खेतों में या अपने बाग में या कहीं भी घर में लगे हुए गमले के पौधों को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जो एनपीके होता है, इसको हम बनाएंगे अपने इस प्याज से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्याज होता है, प्याज में बहुत ही ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, सल्फर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर के साथ साथ पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम इनको अपने पौधों को देते हैं तो इसको हम, ये मान लीजिए कि एक बूस्टिंग पावर देते हैं अपने पौधों को, तो हम किसी भी पौधे में डालेंगे तो वो एकदम से ग्रोथ करेगा, एक अच्छी ग्रोथ करेगा, उसको एक अच्छा सा, उसकी पत्तियाँ, लीफ जो पत्ते होंगे वो बड़े बड़े होंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग भी देखने में इंटरेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो आखिर तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और दूसरे लोगों को भी आप शेयर करिए। दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्याज है, प्याज का जो आपको करना क्या है, कोई प्याज आपका खर्चा एक भी नहीं आएगा बनाने में। आपको जो प्याज होता है आपके किचन में डेली यूज होता है, आप प्याज जब छिलका निकाला जाए प्याज का, तो आपको इसको इकट्ठा करवा लेना। जैसे कि मैंने इसको इकट्ठा करवा लिया है, कुछ प्याज है, मैंने इनका छिलका इकट्ठा भी कर लिया। आपको 10 से 15 प्याज का छिलका होना चाहिए आपके पास, या 20 प्याज का भी हो तो और भी अच्छा है दोस्तों। ठीक है, जितना कंसंट्रेटेड आप बनाएंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं तो कहता हूँ 20 प्याज, लगभग 20 प्याज का छिलका आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो प्याज का छिलका इस तरीके से आप लोगों को निकाल लेना है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं प्याज का छिलका है, इसको आपको निकाल लेना है और प्याज को एक साइड में कर देना है। प्याज का काम हो गया ख़त्म, हमको उसके छिलकों को यूज करना है। दोस्तों, इसको यूज करने का तरीका ये है, प्याज के छिलके हमको ले लेने, एक लीटर लगभग, एक या आधा लीटर हम इससे तैयार कर सकते हैं। 20 प्याज लेंगे तो इससे आपका आधा लीटर लगभग लिक्विड तैयार हो जाएगा, जो एनपीके होगा वो रेडी हो जाएगा, उसको यूज करना है बाद में अपने पौधों में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप काफ़ी सारा प्याज इकट्ठा करते रहिए। अगर आपको खेत में डालना है तो डेली इकट्ठा करवाते रहिए करवाते रहिए, आपके पास ढेर सारी प्याज हो जाएगी। या फिर आप मार्केट चले जाइए, मार्केट में जहाँ प्याज जो लोग बेचा करते हैं वहाँ से आप प्याज के छिलके इकट्ठे कर सकते हैं फ्री में, वहाँ पर ऐसे फेंक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्याज के छिलके आपको ले लेने हैं। अब आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके का एक डिब्बा लेना है, जो प्लास्टिक का डिब्बा होना चाहिए, जिसमें एक कैप होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, यानी कि इसको ढक्कन का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप इसमें फंगस पड़ जाएगा और महकने लगेगा। इसको एयर टाइट करना है दोस्तों, इसलिए इसको बनाने से पहले एयर टाइट ढक्कन आपके पास होना चाहिए उस मग्गे के लिए, उस बॉक्स के लिए। ठीक है, कोई भी बॉक्स हो, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, ड्रम में बना रहे हैं तो ड्रम का ढक्कन होना चाहिए। ठीक है, खेत के लिए बना रहे हैं तो, या फिर पीपा हो कोई 20 लीटर या 15 लीटर का, ठीक है, बाल्टी हो, तो उसमें ढक्कन होना बहुत ही बेहद मस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको लेके चलता हूँ बनाने के तरीके में। ढक्कन आपको निकाल के रख देना है और इस तरीके से इसमें आपको प्याज के छिलके, जो आपके प्याज के छिलके को डाल देना है दोस्तों। तो चलिए डाल देते हैं उसको इसमें। ठीक है दोस्तों, हमने प्याज के छिलके इसमें डाल दिए हैं दोस्तों, इससे हमारा आधा लीटर ही लिक्विड बन के तैयार होगा दोस्तों। और आधा लीटर से ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से अपना डोज बढ़ाते चले जाइए। तो इसमें हम आधा लीटर पानी डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें आधा लीटर पानी डाल दिया है। अब इसको हमको रख देना है 72 घंटे कम से कम, इसको रखना है। आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, और इसको आप ज़्यादा रखेंगे एक दिन, ज़्यादा 4 दिन रख सकते हैं, 3 दिन मस्ट है, 3 दिन से कम इसको पहले यूज में नहीं लेना है, 3 दिन के बाद ही इसको आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको 72 घंटे के लिए हम रख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से पहले इसको कैप लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कैप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैप लग गया है, इसको हिला देना। ठीक है दोस्तों,
हिलाने के बाद में इसको एयर टाइट करके रख देना है। इसको 72 घंटे हमको कुछ नहीं करना है, हिलाते ना भी, अगर बीच में आपको समय मिलता है तो इसको हिला सकते हैं दोस्तों, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको 72 घंटे रखने के बाद आपको क्या करना है, 72 घंटे जब आप इसको रख देंगे, प्याज में आधा लीटर पानी डाल दिया 20 प्याज के छिलके में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आधा लीटर पानी डाल के 3 दिन के लिए रख देंगे, 4 दिन भी रख देंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। रखने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसको जब ये 3 या 4 दिन हो जाए तो उसको आपको छान लेना है, किसी भी बर्तन में आप इसको छान लेंगे और उसको बोतल में भर के रख लेंगे दोस्तों, और उसको ये आपका NPK बनके तैयार हो जाएगा। 3 दिन बाद ये NPK बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इसको यूज करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यूज करने का तरीका ये है दोस्तों कि इसको कितनी मात्रा यूज करनी है, अगर आपको 1 लीटर का स्प्रे है या फिर 1 लीटर में आप मात्रा समझ लीजिए, अगर आप ज़्यादा में डालते हैं तो उसी हिसाब से आपको मात्रा डालनी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर आपको पानी लेना है, 1 लीटर में 200 ग्राम इसको मिलाना है, यानी कि 800 ml पानी में 200 ml इसको मिलाना है, 1 लीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि आपको 800 ml पानी में इसकी 200 ml मात्रा मिलानी है दोस्तों। ये इसका एक फार्मूला होता है जो डाला जाता है अपने पेड़ों में। इसको आप पेड़ों की पत्तियों को गीला करके, जैसे बारिश होती है इस तरीके से फुहारा स्प्रे करके डाल सकते हैं, जब पत्तियों से जब तक पानी चूने न लगे, इतना गीला कर देना है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसको आपको जड़ों में भी दे सकते हैं, जिससे आपके पोषक तत्व, जो फास्फोरस, जो पोटेशियम होगी, NPK का मतलब नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस होता है, ठीक है दोस्तों, वो इसमें तीनों पाए जाते हैं। इसको आप जब देंगे तो आप नाइट्रोजन तो अन्य विधि से भी दे सकते हैं, पोटेशियम और फास्फेट जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, तो इसको आप इस माध्यम से दे सकते हैं। इसको देने के बाद आपको क्या करें, इसको जड़ में भी, जड़ की मिट्टी को आसपास ही यही डोज देना है, 800 ml पानी में 200 ml मिला करके आपको इसको जड़ों में भी दे देना है पौधों के, और उसको पत्तियों को भी गीला कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक क्षेत्र में जो प्रैक्टिकली ज्ञान होता है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, बहुत ही जाँच पड़ताल करने के बाद जो रियलिटी मिलती है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कोई मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं अपने वीडियोज़ में व्यू लाऊं या मैं किसी भी तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं या कुछ और कुछ नहीं सोचता हूं दोस्तों। मेरा मेन मोटिव होता है अपने किसान भाइयों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, मैं अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं दोस्तों। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी पड़ा रहता है, आप मुझको कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।